बाबा जी को पगड़ी पहनानी है तो दीजिए 2.5 लाख रुपए। बाबा जी के चरण पखारने हैं तो दीजिए 1.5 लाख रुपए। बागेश्वर धाम वाले बाबा की रेड लिस्ट हुई वायरल। यजमान सेवा करनी है तो दीजिए 1 लाख रुपए और फूल चढ़ाने हैं तो 1,10,000 रुपए दीजिए। देखिए कैसे धर्म के नाम पर चल रहा है धंधा। माल्यार्पण करना है तो 51,000 रुपए, आरती करनी है तो 11,000 रुपए। ये रेट लिस्ट सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम वाले बाबा के दर्शन करने से लेकर पगड़ी पहनाने और चरण पखारने से लेकर यजमान सेवा तक लाखों रुपए का रेट तय किया गया है। बकायदा पोस्टर बनवाकर दाम की घोषणा की गई है। जिसको बाबा को पगड़ी पहनानी है वो 2,51,000 रुपए लेकर आए और जो चरण पखारना चाहता है वो 1,51,000 कैश लेकर आए। यजमान सेवा की चाहत वालों को भी 1 लाख रुपए चुकाने होंगे, तभी कृपा होगी, वरना उन्हें भगा दिया जाएगा। अगर कोई चाहता है कि बाबा पर फूल बरसाए जाएं, तो 1,10,000 रुपए के करारे नोट लाने होंगे। कोई माला पहनाने की हसरत लिए दरबार में आता है तो 51,000 रुपए लाना जरूरी है। आरती तक करने के लिए 11,000 रुपए का रेट लगाया गया है। संतों की तिलक सेवा के लिए भी 5,100 रुपए देने होंगे। ये किसी महंगे शोरूम में ब्रांडेड कपड़े या सामान का दाम नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर चल रही दुकान में भक्ति का सौदा है। अपने उलझुलूल बयानों और हरकतों के लिए कुख्यात बागेश्वर धाम के बाबा की तस्वीरों वाले ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखो कैसे इन धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर धंधा खोल लिया है, कैसे भक्ति के नाम पर लोगों की जेब से लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर खिंचाई हुई तो बागेश्वर धाम ने मामले से किनारा कर लिया। बागेश्वर धाम की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि यूपी के ललितपुर में जिन लोगों ने कार्यक्रम रखवाया था उन्होंने ही ऐसी रेट लिस्ट जारी कर दी। बागेश्वर धाम ने कहा कि रेट लिस्ट का पता चलते ही उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि अगर रेट लिस्ट वायरल नहीं होती तो क्या फिर भी कार्यक्रम कैंसिल होता। वैसे ये बाबा तो खुलेआम कहते हैं कि वो घर बार सोना चांदी सब पचा सकते हैं। सुनिए, अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकते, हम सब पचा ले भी। हम जात से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, 63 कर्माणि ब्राह्मणा। तुम अपना मकान फ्लैट बंगला घोड़ा गाड़ी सोना चांदी, बैंक की FD खुलना रुपया बंदे रुपया लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। तो सुना आपने कैसे धर्म के नाम पर व्यापार चल रहा है, लेकिन व्यापारी सिर्फ ब्राह्मण हो सकते हैं जिसमें मुनाफे की गारंटी 100% है। कोई और इस मुनाफे का शेयर होल्डर नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इस बारे में पहले ही कहा था। बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, उसी तरह पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। इसलिए हमें इस धंधे से बचना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई को यूं ऐसे बाबाओं के सामने नहीं लुटाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।